अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो 1800 सैलरी है, उसके बाद आप किस तरह से ट्रांसफर ले सकते हैं, पांच तरीका है, बिना कफील के, बिना कंपनी के मर्जी के आप ट्रांसफर ले सकते हैं। पांच तरीका मैं बताने वाला हूं किस तरह से आप ट्रांसफर ले सकते हैं, क्या तरीका है। आप सही तरीके से आप ट्रांसफर लेते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप अपने मर्जी से अपने हिसाब से काम ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में उनका नंबर बताऊंगा किस तरह से आप बात करके खुद ट्रांसफर सकते हैं। 10 घंटा ड्यूटी है और 1800 सैलरी है, आप आसानी से वहां पे बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नियम कानून के बारे में, क्योंकि 2023 में कुछ नया अपडेट आया है, नया सिस्टम आया है। जिन लोगों के ऊपर हुरूप डाल देता है कफील या कंपनी, वो लोग भी बिंदास ट्रांसफर ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी का निजाम अलग है और गवर्नमेंट का निजाम अलग है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नए सऊदी अरब में आते हैं और आपकी कंपनी 3 महीने तक एकामा नहीं बनाती है, तो आप बिना कफील के मर्जी के, बिना कंपनी के मर्जी के, आप किसी कंपनी में बात करके ट्रांसफर ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है, अगर 3 महीने तक किसी को अगर सैलरी नहीं मिलता है, बैंक अकाउंट में नहीं आता है, 3 महीने तक सैलरी अगर कंपनी ना दे वर्कर को, तो वर्कर का हक बनता है कि आप बिना कफील के मर्जी के, बिना कंपनी के मर्जी के किसी और जगह पे ट्रांसफर ले सकते हैं। जो लोग भी घरों में काम करते हैं, उन लोगों को 3 महीने तक सैलरी नहीं दिया जाता है, तो उन लोगों को एक छोटा सा काम करना होता है, लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेंट करना होता है, और वहां से आप पेपर लेकर आप किसी कफील के पास ट्रांसफर ले सकते हैं, अफसर के जरिए ट्रांसफर मिल जाएगा। जो लोग भी कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों को कीवा के जरिए ट्रांसफर लेना होता है। तो ये दूसरा तरीका था। उसके बाद आप जिस कंपनी में काम करते हैं, 2 साल, 1 साल या 6 महीना काम किए, लेकिन आपको ट्रांसफर लेना है, कंपनी सही नहीं है, तो आप अपने कंपनी का स्टेटस चेक करें, और इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं किस तरह से कंपनी का स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो कंपनी का स्टेटस अगर रेड लिस्ट में है, तो आप बिना बताए, बिना पूछे किसी और जगह बात करके ट्रांसफर ले सकते हैं, वहां पे आसानी से काम करने के लिए जा सकते हैं, और कफाला का जो फीस होता है वो भरेगा। अगर जल्दी भर देता है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं, एकामा बना दिया है, लेकिन बाद में एकामा नहीं बनाता है, बहुत लोगों का सवाल आता रहता है कि भाई मेरा एकामा कंपनी रिन्यू नहीं करा रही है, तो हम किस तरह से क्या कर सकते हैं। तो आप बिना पूछे, बिना उसके मर्जी के किसी और जगह पे ट्रांसफर ले सकते हैं, अगर आपका एकामा एक्सपायर होता है तो। अगर एकामा एक्सपायर नहीं है, आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो फिर अपने कफील का, अपने कंपनी का परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही आप किसी जगह पे ट्रांसफर ले सकते हैं। ये नियम और कानून है, और जो नया एड किया गया है इस साल, तो ये कमाल का है, क्योंकि काफी लोग ट्रांसफर लेते थे, कंपनी से भाग जाते थे, उनके ऊपर हुरूप लगा दिया जाता था, तो लोग परेशान हो जाते थे कि भाई हमारे ऊपर हुरूप लगा दिया है, हम अब जा नहीं सकते हैं, कहीं पे भी काम नहीं कर सकते, अगर करते भी है चोरा छुपा कर तो हम पकड़े जाएंगे, यानी हमारा एक्सेस अब उनके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में आ गया है, वो पकड़ेगा और मुझे भेज देगा। तो ये सिस्टम सऊदी गवर्नमेंट ने लागू किया कि जब आप भागते हैं या आपके ऊपर जो हुरूप लगा दिया जाता है, तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है, वो हुरूप नहीं माना जाता है। अगर हुरूप डाल दिया है तो आप उस टाइम में आपको 2 काम करना होता है, आप किसी कंपनी में बात करके वहां पे ट्रांसफर ले सकते हैं, अगर नहीं लेते हैं 60 दिन के अंदर में, तो फिर आपको फाइनल एग्जिट जाना होगा। अगर 60 दिन में ये 2 काम आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके ऊपर वो हुरूप माना जाएगा, यानी आप गैर कानूनी तरह से सऊदी अरब में रह रहे, क्योंकि आपको 2 महीने का टाइम दिया गया है, लेकिन 2 महीने के अंदर में आपने अपना ट्रांसफर नहीं करवाया या फाइनल एग्जिट नहीं गए हैं, तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, जो लोग भी भाग जाते हैं उनके ऊपर हुरूप डाल दिया जाता है, तो आपको एक काम करना है, जल्दी से किसी अच्छे कफील को, कंपनी को ढूंढना है और वहां पे ट्रांसफर ले लेना है। तो फाइनली हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग भी ट्रांसफर लेना चाहते हैं। 1800 सैलरी है, 10 घंटा ड्यूटी है, उसके बाद रहना सहना कंपनी देगा, यानी रूम कंपनी देगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग भी ये काम जानते हैं, कॉफी का काम जानते हैं, जिसे बरिस्टा भी बोलते हैं, अगर आप ये काम जानते हैं या आप नहीं जानते हैं, तो ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, और आप इस जगह पे ट्रांसफर ले सकते हैं, यानी ये काम है और 10 लोगों की जरूरत है। और मैं आपको इनका व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, या कॉल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप नंबर लिख लें,
4293695 यहाँ पे ये नंबर भी देख सकते हैं और इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आप ये काम जानते हैं तो आप आसानी से ट्रांसफर ले सकते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो इनके पास आप कॉन्टेक्ट करें, अगर इनके पास काम होगा तो आपको फौरन ट्रांसफर करवा देगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से और लोग भी फायदा उठा सकते हैं।